नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। आईपीएल 2020 का 45वां मुकाबला आज अबू धाबी के मैदान पर राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला शाम को 7:30 पर शुरू होगा। तो दोस्तों, इस मुकाबले के लिए राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस ने अपनी प्लेइंग 11 घोषित कर दी है। तो हम आपको बताएंगे कि आखिरकार दोनों टीमें इस मुकाबले में किन किन खिलाड़ियों को मौका देने वाली हैं। साथ ही हम दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड मुकाबलों के बारे में बताएंगे कि किस टीम का रहा है पलड़ा पारी। साथ ही आईपीएल 2020 के प्रदर्शन की बात भी करेंगे और साथ ही दोनों टीमों के खतरनाक खिलाड़ियों के बारे में हम आपको बताएंगे और साथ ही ताकत और कमजोरी भी बताएंगे। तो तमाम जानकारी इस मुकाबले से जुड़ी हुई आपको देंगे, तो देखते रहें वीडियो को पूरा अंत तक। और साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और साथ ही साथ इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, आईपीएल 2020 की बात करें दोनों टीमों की, तो आज का मुकाबला जीतकर अगर मुंबई इंडियंस जहां प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की करने के लिए उतरेगी, तो वहीं पर राजस्थान रॉयल्स अपनी उम्मीदों को बचाए रखने के लिए इस मुकाबले को हर हाल में जीतना चाहेगी। तो मुंबई इंडियंस की आईपीएल 2020 के प्रदर्शन की बात करें तो अब तक इन्होंने 10 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 7 मुकाबलों में जीत दर्ज की, जबकि 3 मुकाबलों में इन्हें हार का सामना करना पड़ा है। प्ले ऑफ में पहुंचने के लिए इस टीम को सिर्फ एक ही मुकाबला जीतना है, लेकिन यहां पर यह लड़ाई प्ले ऑफ में पहुँचने के लिए नहीं बल्कि नंबर 1 व 2 के लिए करेगी। ये चाहेगी कि इस आईपीएल को यहाँ पर नंबर 1 पर ख़त्म करे, जिससे कि इन्हें एक एक्स्ट्रा मौका मिले फाइनल में पहुँचने का। वहीं पर राजस्थान रॉयल्स के पास अभी भी उम्मीदें हैं। राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो अब तक इन्होंने 11 मुकाबलों में से 4 मुकाबलों में जीत दर्ज की। अगर ये 3 ही बचे हुए मुकाबले टीम जीत लेती है तो फिर 14 अंक हो जाएगी इस टीम के, और फिर उम्मीदें रहेगी कि अगर ऊपर की टीमें खराब प्रदर्शन करेगी तो इनके प्ले ऑफ में पहुंचने के चांस अभी भी हैं। यानी कि राजस्थान रॉयल्स के लिए आज का मुकाबला करो या मरो वाला है, तो हर हाल में वो ये मुकाबला जीतना चाहेगी। यानी कि मुकाबला काफ़ी रोमांचक होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं दोनों टीमों के खतरनाक खिलाड़ियों के बारे में। तो मुंबई इंडियंस के पास इस समय खतरनाक बैटिंग लाइनअप मौजूद है, जिसमें आते हैं सबसे पहले रोहित शर्मा, क्यूटन डीकॉक, सूर्य कुमार यादव, इसके बाद ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या और कायरन पोलार्ड जैसे दिग्गज इस टीम के पास बल्लेबाज हैं, जो काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी कर सकते हैं और टीम के लिए कर भी रहे हैं। इसके अलावा गेंदबाजी में ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह और इसके अलावा नेथन कुंटर-लाइल जैसे खतरनाक गेंदबाज इस टीम के पास हैं। वहीं पर स्पिन गेंदबाजी में अब तक अच्छा प्रदर्शन किया है राहुल चहर ने भी। यानी कि इस टीम के पास बल्लेबाजी और गेंदबाजी काफ़ी खतरनाक है और कई खतरनाक खिलाड़ियों के दम पर इसमें प्ले ऑफ के बिल्कुल मुहैने पर खड़ी है टीम। एक मुकाबला जीते ही अब प्ले ऑफ में भी अपनी जगह पक्की कर लेगी। वहीं आरआर की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग लाइनअप देखें तो इसमें कई खतरनाक खिलाड़ी मौजूद है, जिसमें जोस बटलर, स्टीव स्मिथ, बेन स्टोक्स, रॉबिन उत्तपार, संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी मौजूद है, जो कि अपने बल्ले से कमाल कर सकते हैं टीम के लिए। लेकिन इनमें से अब तक उस फॉर्म की कमी रही है, जिसके चलते ये टीम इतने मुकाबले नहीं जीत पाई है, वरना इस टीम के पास दुनिया के सबसे खतरनाक खिलाड़ी मौजूद है। वहीं पर ऑलराउंडर में भी इस टीम के पास राहुल तेवतिया, रियान पराग जैसे खिलाड़ी है, जो शानदार गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी में दमखम दिखा रहे हैं। वहीं पर इसके अलावा गेंदबाजी में जोपरा आर्चर के साथ साथ इस टीम के लिए बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं सरयास गोपाल, और उनके साथ यहाँ पर युवा कार्तिक त्यागी ने भी अच्छी गेंदबाजी की है। यानी कि दम कम है इस टीम के पास और ये यहाँ पर मुंबई इंडियंस को कड़ी टक्कर दे सकते हैं आज के मुकाबले में, लेकिन ज़रूरत है तो इनकी बल्लेबाजी के में बल्लेबाजों के चलने की, क्योंकि फिलहाल इंतजार है कि इनकी तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी होगी आज के मुकाबले में और साथ ही गेंदबाजों के द्वारा बेहतरीन गेंदबाजी भी। वहीं पर दोस्तों, अब हम दोनों टीमों के हेड टू हेड मुकाबलों की बात करें तो दोनों टीमें अब तक आईपीएल के इतिहास में 24 बार आमने सामने हुई है, जिसमें मुंबई इंडियंस ने 12 मुकाबले जीते तो वहीं पर राजस्थान रॉयल्स ने 11 मुकाबले जीते हैं। एक मुकाबला इन दोनों टीमों के बीच बेनतीजा रहा है, यानी कि थोड़ा सा मुंबई इंडियंस का पलड़ा भारी है राजस्थान रॉयल्स के ऊपर। वहीं पर इस साल के मुकाबले की बात करें, यानी कि आईपीएल 2020 के मुकाबले की, तो वह तब भी यहाँ पर अबू धाबी में ही वो मुकाबला खेला गया था और उसमें राजस्थान रॉयल्स को मुंबई इंडियंस ने 57 रनों से हराया था। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 193 रन बनाए थे, इसके जवाब में राजस्थान रॉयल्स सिर्फ 136 रन ही बना पाई थी और 57 रन से वो मुकाबला मुंबई ने जीत लिया था। 5 साल के बाद राजस्थान को हराने में कामयाब हुई थी, लेकिन आज एक बार फिर राजस्थान रॉयल्स उस हार का बदला लेने के लिए यहाँ पर इसी अबू धाबी के मैदान पर आमने सामने होगी मुंबई के। वहीं पर मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स की ताकत व कमजोरी की बात करें तो इसमें मुंबई इंडियंस की टीम में कोई भी कमजोरी नज़र नहीं आती है।
गेंदबाजी, बल्लेबाजी से लेकर फील्डिंग तक हर क्षेत्र में इस टीम के पास ताकत मौजूद है। दमदार खिलाड़ियों के दम पर यह टीम इस समय काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर रही है और इसमें अंक तालिका में भी हम साफ देख सकते हैं कि यह टीम कितनी मजबूत है, क्योंकि इसके पास काफ़ी बड़ी ताकत है, यानी कि कोई भी कमजोरी नहीं है मुंबई इंडियंस के पास। वहीं पर राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो इनकी बल्लेबाजी एक तरह से कमजोरी रही है। बल्लेबाज काफ़ी शानदार है, बड़े नाम वाले खिलाड़ी हैं, लेकिन उनका प्रदर्शन काफ़ी नीचे रहा, जिसके चलते ये टीम इस समय काफ़ी नीचे भी है। वैसे इस टीम की ताकत और कमजोरी की बात करें तो यहाँ पर 50-50 है, क्योंकि जिस दिन बल्लेबाजी चल जाती है उस दिन ये टीम मुकाबला जीत जाती है और जिस दिन बल्लेबाज फेल हो जाते हैं वहाँ पर ये टीम मुकाबला हार जाती है। गेंदबाजी में जोपरा आर्चर और गोपाल अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, जिसके चलते ये थोड़ी ताकत महसूस कर सकती है, लेकिन फिलहाल बात करें यहाँ पर टीम की तो उतनी ताकत और कमजोरी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में ही नहीं, यानी कि 50-50 इस टीम का रहा है ताकत और कमजोरी गेंदबाज और बल्लेबाजों में। वहीं पर हम बात करें अब अबू धाबी के इस मैदान की पिच रिपोर्ट और ग्राउंड रिकॉर्ड की, तो अब तक पिच की बात करें तो यहाँ पर बैटिंग जरूर आसान रही है, लेकिन तेज़ गेंदबाजों के लिए काफ़ी मदद है इस पिच पर, यानी कि तेज़ गेंदबाज शुरुआती ओवरों में यहाँ पर विकेट ले सकते हैं, तो यहाँ पर जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बल्लेबाजी का फैसला करना पसंद करेगी। हालांकि यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करते हुए अब तक 7 बारी मुकाबले जीत पाई है, जबकि 8 बार बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने इस मैदान पर मुकाबले जीते हैं। वहीं पर अब दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की बात करें तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर मुंबई इंडियंस की। अगर आज रोहित शर्मा पूरी तरह से फिट हुए तो वो खेलते हुए दिखेंगे, नहीं तो उनकी जगह पर कप्तानी करेंगे कायरन पोलार्ड और उनकी जगह पर खेलते हुए नजर आएंगे सौरभ तिवारी, यानी कि टीम में हमें नजर आने वाले क्यूटन डीकॉक, रोहित शर्मा या फिर सौरभ तिवारी। इसके बाद सूर्य कुमार यादव, नंबर 4 पर ईशान किशन, 5 पर हार्दिक पांड्या, 6 पर कायरन पोलार्ड, 7 पर कुणाल पांड्या, 8 पर नेथन कुल्टर-नाइल, 9 पर राहुल चेर, 10 पर ट्रेंट बोल्ट और 11 पर जसप्रीत बुमराह उतरने वाले हैं। यानी कि आज के मुकाबले में भी अगर रोहित शर्मा फिट ना हुए तो फिर क्यूटन डीकॉक और ईशान किशन हमें ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने काफ़ी शानदार बल्लेबाजी की थी पिछले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ और टीम को 10 विकेट से जीत दिलाई थी। लेकिन आज के मुकाबले में भी इन बल्लेबाजों से एक बार फिर उम्मीद होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा उम्मीद हार्दिक पांड्या पर रहेगी, जिनका IPL 2020 में प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। वहीं पर कप्तान अगर आज कायरन पोलार्ड होते तो उनसे भी बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी। गेंदबाजी में इस टीम के पास शानदार तिकड़ी मौजूद है तेज गेंदबाजों की, जो कि काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर रही है, तो आज के मुकाबले में एक बार फिर इन्हीं से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद करेगी मुंबई इंडियंस की टीम। वहीं पर दोस्तों अब राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो इनकी तरफ से ओपनिंग जोड़ी रहने वाली है बेन स्टोक्स और रॉबिन उथप्पा। दोनों खिलाड़ियों ने उतना अच्छा प्रदर्शन किया नहीं अब तक, तो उम्मीद है कि आज दोनों अच्छी पारियां खेलेंगे। नंबर 3 पर उतरेंगे इस टीम की तरफ से संजू सैमसन, जिन्होंने शुरुआती 2 मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन उसके बाद ये टीम भी फ्लॉप हो रही है और इनके बल्लेबाज भी। नंबर 4 पर स्टीव स्मिथ उतरेंगे कप्तान, तो नंबर 5 पर जोस बटलर उतरने वाले हैं। बटलर से टीम से बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी, क्योंकि ये मुंबई इंडियंस के खिलाफ काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करते हैं। इसके बाद नंबर 6 पर रियान पराग उतरेंगे, तो नंबर 7 पर राहुल तेवटिया उतरने वाले हैं। नंबर 8 पर जोपरा आर्चर उतरेंगे, तो नंबर 9 पर सरयास गोपाल। वहीं पर नंबर 10 पर अंकित राजपूत उतरने वाले हैं, तो नंबर 11 पर कार्तिक त्यागी। यानी कि टीम के पास बेहतरीन बैटिंग लाइनअप और शानदार गेंदबाजी मौजूद है, जो शानदार प्रदर्शन करके आज मुंबई इंडियंस को मात दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपके हिसाब से दोनों टीमों में से कौन सी टीम इस समय खतरनाक लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं और साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।